कादर खान। दोस्तों कादर खान मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसे दिखते थे और मृत्यु के समय 81 वर्ष के थे। दोस्तों कादर खान इन्होंने इस फिल्म में फकीर दरवेश बाबा का रोल निभाया था। निरूपा रॉय। और अगर बात करें निरूपा रॉय जी की तो आपको बता दूं निरूपा रॉय मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसी दिखती थी और मृत्यु के समय 73 वर्ष की थी। दोस्तों निरूपा रॉय इन्होंने इस फिल्म में फातिमा का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन। और अगर बात करें लीड एक्टर अमिताभ बच्चन की तो दोस्तों आपको बता दूं अमिताभ बच्चन मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसे दिखते थे, हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 81 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों अमिताभ बच्चन, इन्होंने इस फिल्म में सिकंदर का किरदार निभाया था। राखी गुलजार। दोस्तों राखी गुलजार मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसी दिखती थी, हाल ही में दिखती है कुछ ऐसी। 76 वर्ष की हो चुकी है दोस्तों राखी गुलजार, इन्होंने फिल्म में कामना का किरदार निभाया था। विनोद खन्ना। दोस्तों विनोद खन्ना मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसे दिखते थे और मृत्यु के समय 70 वर्ष के थे। दोस्तों विनोद खन्ना इन्होंने फिल्म में विशाल आनंद का किरदार निभाया था। गोगा कपूर। दोस्तों गोगा कपूर मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसे दिखते थे और मृत्यु के समय 70 वर्ष के थे। दोस्तों गोगा कपूर इन्होंने फिल्म में गोगा का रोल निभाया था। रेखा। दोस्तों रेखा मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसी दिखती थी, जबकि हाल ही में दिखती है कुछ ऐसी। 69 वर्ष की हो चुकी है दोस्तों रेखा, इन्होंने फिल्म में जोहराबाई का किरदार निभाया था। श्रीराम लागो। दोस्तों श्रीराम लागो मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसे दिखते थे और मृत्यु के समय 92 वर्ष के थे। दोस्तों श्रीराम लागो इन्होंने फिल्म में रामनाथ का किरदार निभाया था। रंजीत बेदी। दोस्तों रंजीत बेदी मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे। 82 वर्ष के हो चुके हैं दोस्तों रंजीत बेदी, इन्होंने फिल्म में जेडी का किरदार निभाया था। अमजाद खान। अब एंड में बात करते हैं अमजाद खान की, तो दोस्तों आपको बता दूं अमजाद खान मुकद्दर का सिकंदर मूवी में पहले कुछ ऐसे दिखते थे और मृत्यु के समय 51 वर्ष के थे। दोस्तों अमजाद खान इन्होंने इस फिल्म में दिलावर का रोल निभाया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।